हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। तो आज हम देखेंगे व्याख्यात्मक जो है हल प्रश्न पत्र। ये है आपका परीक्षा तिथि जून में 2016 में हुआ है, बाकी ये 2011 के समथिंग का शायद ये निकला था नोटिस। तो ये टीजीटी का है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये है चैल, ठीक है, भारत में है। और इसके बारे में देख लेते हैं, चैल हिमाचल प्रदेश भारत। यह मैदान जो है 2444 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह चैनल स्कूल का खेल मैदान है और यह विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ गया था, आपके पास दो ऑप्शन है। चलिए आगे का मैं दिखा रहा हूँ, तो चलिए आंसर बता देता हूँ मैं। ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक में है। और ये भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन 1954 में हुआ था, तो याद नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट गुल्लीट शब्द का किस खेल से संबंध है? तो ये है आपका फुटबॉल, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, रूट गुल्लीट नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी है और विश्व के 100 महान फुटबॉल खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टर किस राज्य की है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने वेटलिफ्टर में भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया था और 2004 आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इन्हें 1994 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, किस देश के हैं? तो ये किस देश के थे, ये भी अमेरिका के थे। जितने आपके एथलेटिक इवेंट है ना, उसमें लगभग लगभग आप यूएसए के ही जो है खिलाड़ियों ने ये खोज किया था, ठीक है, फॉसबरी का हो गया। और तो ये है डिक फॉसबरी जिन्होंने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, अमेरिका के निवासी हैं और 1968 में ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक में सिंथेटिक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो सिंथेटिक का जब इसमें कब प्रयोग किया गया है, आप लोग बताइए इसको। देखते हैं, 1968, 48, 96, इस दोनों में से एक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है आपका ए आंसर हो जाएगा, 1968, ठीक है, मेक्सिको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपके हेलसिंकी 1983 और एक बार हेलसिंकी 1952 में भी हुआ है। तो इसका देख लेते हैं, विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स द्वारा किया गया था। अभी दोस्तों अभी करेंट कुछ चेंजेस हुआ हुआ है, एक बार और इसको बता चुका हूँ मैं आपको, जो है IAAF जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स है, वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन बन गया है, देख लीजिएगा एक बार गूगल में सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रिटानिया अमृत राज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका केरल में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, और ये ब्रिटानिया अमृत राज जो है से BAT बैट एकेडमी के नाम से भी जानते हैं, तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट है, पुगिलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बॉक्सर, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है ये। टी ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित से जुड़ा हुआ है? तो टी ऑफ जो है आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में देखते हैं, टी ऑफ शब्द गोल्फ से संबंधित है और टी के आकार की घड़ी से बॉल का होल तक पहुंचाया जाना या जाता है,
गोल्फ के मैदान को जो है टीन ग्राउंड कहते हैं, और इसमें 9 या 18 होल होते हैं, ठीक है, 9 से 18 भी कह सकते हैं। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए, ठीक है, और ये आप खेल का है ना, ये आपका कोई पार्टी वाला नहीं है। निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जल थेरेपी हो गया आपको हाइड्रोथेरेपी, इससे मैं पहले और बता चुका हूँ इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो ये घिरी होती है आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। और ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहती है, यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका की सुरक्षा और रासायनिक द्रव्यों का आवागमन करना है। देख लीजिएगा नेक्स्ट। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आपका माइटोकांड्रिया कहते हैं, और इसके बारे में है थोड़ा सा स्त्रोत देख लेते हैं। कोशिका के केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरे द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इससे क्वेश्चन बनता है। हाँ ठीक है। और साइटोप्लाज्म शब्द 1882 में स्ट्रास वर्गर द्वारा दिया गया था, और मैक्स शुल्ज द्वारा इसे जो है फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ कहा गया था। एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता? तो परिपक्वता इसका आंसर आना चाहिए आई थिंक, लेकिन इसमें कम प्रोटीन लिख दिया है। छोटे बच्चों में कम प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से जो है आपका परिपक्वता आना चाहिए, ठीक है। इसको इसमें सी दिया है भले ही आंसर को, देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में भी दिया है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है, और जिस कारण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा दूध, अंडे, मीट, दाल और मछली से प्राप्त होते हैं। ये कथन तो सही है, बाकी जो इसका जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग परिपक्वता आना चाहिए। एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता, तो ये परिपक्वता के कारण होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से परिपक्वता आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये राइबोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा से। ठीक है, चलिए इसको देख लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस अंग को सेलुलर जो है गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोशिका किस अंग को ना, तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा, इसका आंसर आई थिंक लाइजोसोम से ही आंसर है इसका भी। चलिए नीचे में है, इसका आंसर दिखाता हूँ मैं। यह है लाइजोसोम्स की खोज जो है क्रिस्टियन डी ड्यू ने 1949 में की थी, और जिसके लिए इनको 1974 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको जो है सुसाइड बैग्स कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी जो है पाचक एंजाइम्स होती है। कोशिका किस भाग को पावर प्लांट कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो बी जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और इसके बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंदा द्वारा 1898 में दिया गया। इसके अंदर एटीपी, एडीपी एंड पीआई में टूटता है। इसके बारे में तो पढ़े ही होंगे, जानते होंगे, एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनो सिन ड्राई फॉस्फेट एंड फॉस्फोक्रिएटिन होगा, ठीक है, में टूटता है। और ये क्या है, और ऊर्जा निकलती है, और इस कारण इसे पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल या पावर प्लांट ऑफ सेल कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपका इसमें से हो जाएगा, डीएनए
बी आंसर है सही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर भी दिया है पूरा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ और इसके बाद जो है टाइम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डीएनए आपका हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यह केंद्रक का 80-90% भाग बनाता है और इसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन व क्रिक तथा विकलिंग्स को 1962 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह डीऑक्सीराइबोस सुगर फास्फेट तथा नाइट्रोजनी क्षार AGTC का बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को तोड़ने में सहायता करता है? तो ये करता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इसका प्राथमिक कार्य ऊतकों को आपस में जोड़ना है और यह अंगों को गति प्रदान करने में सहयोग करता है। एजिंग का संबंध इससे है, जो एजिंग तो से संबंध इसका है। चलिए दोस्तों, तो मुझे दीजिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे थोड़ा से मोटिवेशन करें, थोड़ा मोटिवेट करें कि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या और अच्छा करना है जिससे कि आप लोग पसंद करें, लाइक करें। लाइक नहीं आ पा रहा है इसलिए ये सब बोल रहा हूँ मैं, तो कुछ मेरी मेहनत का कुछ भी थोड़ा सा लगता है कि कुछ मेहनत हो रहा है, तो लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।